सगळीकडेच लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आपल्याला पाहायला मिळते. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आम्ही प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन तेथील नागरिकांशी संवाद साधलाय आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. आमच्या एमकेएन न्यूजच्या टीमने लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रात येणाऱ्या उल्हासनगर शहराचा आढावा घेतलाय आणि तिथल्या नागरिकांशी संवाद साधलाय. पाहूया त्याचा हा विशेष रिपोर्ट. लोकसभा निवडणुकींची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणुकांच्या तारखा घोषित झाल्यापासून आता सर्वसामान्य जनतेवर पुन्हा एकदा आश्वासनांची खैरात सुरू झाली आहे. गेली 5 वर्ष मतदारांनी निवडून दिलेल्या खासदारांनी सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला की नाही याचा आढावा घेतला एमकेएन न्यूजच्या प्रतिनिधींनी. एमकेएन न्यूजच्या टीमने कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत असलेल्या उल्हासनगर शहरातील काही प्रमुख ठिकाणांचा दौरा केला. उल्हासनगर शहरास उद्योगनगरी म्हणून ओळखले जाते. शहरात असलेली बाजारं संपूर्ण आशिया खंडातील मोठ्या बाजारपेठापैकी एक आहे आणि म्हणूनच या शहरात व्यापारी वर्ग मोठ्या संख्येत आहेत. एमकेएन न्यूजच्या टीमने शहरातील स्थानिक व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सरकार द्वारा GST के फैसले के बाद व्यापार पर क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हो गया ना, देखो अभी उल्हासनगर की हालत ऐसे हो गई है, देखो प्रॉपर्टी के भाव गिरते जा रहे हैं, वो सिर्फ पब्लिक यहाँ से निकलते जा रही है, यहाँ से सिर्फ किनारे किनारे बाहर चली जा रही है, कल्याण अंबरनाथ और जगह पे, पर उल्हासनगर से सब बाहर जा रहे हैं. रोड रास्ते देखो, पानी की तकलीफ है, मतलब इतनी रोड छोटे छोटे, कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस की कोई प्रोटेक्शन नहीं है. पुलिस देखो, किसी भी आप चौक पे जाएंगे कितनी ट्रैफिक है, और किधर किसी को इमरजेंसी जाना है 10-15 मिनट की जगह हम समझ के चलेंगे हम पहुंचेंगे, लेकिन आप वहाँ पे 1 घंटे तक नहीं पहुंच पा रहे. इस वक्त खाली इलेक्शन हो रहा है, उस वक्त हाथ जोड़ने आते, हम भी करते में ठीक है, ये किया है उसने, नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो वो करेगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है. तकलीफें बढ़ती जा रही है, आगे ऐसी हालत हो जाएगी, उल्हासनगर से आदमी निकलते जाएगा, बस दूसरी पब्लिक आ जाएगी, बंगाली मुसलमान ये वो कोई भी आएंगे, बाकी तकलीफें बढ़ती जाएगी. आपको आपके खासदार का नाम पता है? जी, खासदार का नाम तो पहले हमें नहीं मालूम था, लेकिन अभी मालूम पड़ गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम है, बाहर निकले हैं सब लोग. और नोटबंदी GST के बाद व्यापारी जो धंधा है ना, व्यापारी जो है ना, व्यापार मंडल बिल्कुल ठप हो गया है, तो उसका कोई रास्ता निकले तो बहुत अच्छी बात रहेगी और व्यापारी भी खुश रहेंगे. आप बोल रहे थे व्यापारी एकता और व्यापारियों में बहुत यूनिटी होती है, लेकिन कभी भी 5 सालों में MP ने आके व्यापारियों की समस्याएं जानने की कोशिश की है? नहीं, कोई भी समस्या जानने की उन्होंने हमारे से कोई बात नहीं की है, कुछ भी नहीं. क्या तकलीफ है आपको? कोई हमारे पास कभी GST वाले आते हैं, कभी पहले LPD वाले आते थे, तो हमारे पास कोई भी नहीं आता था. व्यापारियों को क्या तकलीफ है? व्यापारियों को अंदर बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. अभी जब आप वोट देने निकलोगे तो कैंडिडेट में क्या देखोगे आप? कौन सी क्वालिफिकेशन उनसे होनी? मन तो नहीं चाहता हम इलेक्शन में जाके इसको वोट करें, पर वोट करना एक्चुअली ज़रूरी भी है. पर क्या है, एक उम्मीद होती है कि चलो ठीक है, इस बार इसको आजमाएंगे, इस बार उसको आजमाएंगे, पर जनता तो सिर्फ उम्मीदों पर चल रही है, हमारे हाथ में तो है नहीं, पर सरकार को थोड़ा जागृत रहना चाहिए. 5 साल में मिलना चाहिए, 2-3 बार कम से कम मिलना चाहिए. 5 साल में, साल में, 2 साल में एक बार मिलने के लिए तो आवे भाई. क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपको? इतना फंड्स आते हैं, लेकिन हम लोग तो देखते ही नहीं है कि हमारे लिए फंड से कोई 5 रुपया भी है कोई हमारे पास. ये कहाँ जाते हैं ये तो उनको मालूम है. याच क्रमात आम्ही संवाद साधला उल्हासनगर मधील कल्याण बदलापूर रस्त्यावरील स्थानिक व्यापाऱ्यांशी. 4 वर्षांआधी राष्ट्रीय महामार्गाकरिता शासनाच्या आदेशानंतर रस्ता रुंदनीकरणाकरिता या रस्त्यावरील जवळजवळ 260 दुकानांवर तोडू कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर अक्षरशः रस्त्यावर आलेल्या व्यापाऱ्यांना अद्याप पर्यायी जागा देण्यात आलेली नाही. सर, विकास के नाम पर कल्याण बदलापूर रोड पर तोडू कारवाई हुई थी, उस बात को अभी लगभग 4 साल हो गए हैं, अभी तक वो मुद्दा जो का तो बना हुआ है. पिछले 4 सालों में यहाँ के स्थानिक व्यापारियों ने कौन सी समस्याओं का सामना किया है? मैडम, कौन सी समस्या नहीं, समस्याओं से ही आज तक हम लोग लड़ते आए हुए हैं. 4 सालों से जो समस्या शुरू है वो आज तक वो समस्या वैसे की वैसे ही है कल्याण नर्मदा रोड की. सबसे पहले तो जब इनका कॉरपोरेशन का जो तोड़ने की स्टाइल थी, वो दुकान इतने गलत तरीके से और इतने स्पीड में तोड़े गए,
ऐसे लग रहा था कि कॉरपोरेशन कल से ही रोड का काम चालू करेगी, जो रोड का काम आज तक ऐसा का ऐसा ही रहा हुआ है। ड्रेनेज का काम MMRDA ने चालू किया, वो काम भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। अगर जब हम ये बात किसी से करते हैं तो बोलते हैं कि लोग जो कोर्ट में गए हैं उसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग कोर्ट में गए हैं, अगर कॉरपोरेशन का कमिश्नर, शहर के लीडर अगर उनके साथ बैठ के संपर्क करते अच्छे तरीके से, तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता और आज 4 साल ये हमारे व्यापारी जो हैं सफ़र नहीं करते। न जाने कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं, न जाने कितने लोगों की जाने गई हैं सिर्फ इस रोड के चक्कर में। रोड को बड़ा करना है, लोगों को आपने तकलीफ दी है, लेकिन आज भी उस रोड पे टेम्पू, हाथगाड़ी वाले और अलग अलग लोग अपने अपने सामान रखकर वहाँ पर वो रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये रोड बड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। जिस वजह से आप रोड बड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से आपने इतनी दुकानों को तोड़ा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। उसके बाद जो लोग इस रोड पे जीरो हो गए, जीरो मतलब जिनकी दुकान 8 फुट की 10 फुट की थी, ये मैडम दुकान जो थी 40 साल और 30 साल से पुरानी दुकानें थी। छोटे छोटे लोग, गरीब परिवार, कोई पान पट्टी का काम करके अपना परिवार चलाता था, कोई मिक्सर बना के अपना परिवार चलाता था। इस तरीके से बहुत सारे परिवार थे जो यहाँ पर छोटे छोटे दुकान में अपना परिवार चलाते थे। उनके दुकान जब जीरो हो गए तो वो सब के सब परिवार, 260 परिवार मैडम आज वो रोड पर है, आज भी रोड पर है। आज भी उनके घर का खर्चा, उनकी घर की तकलीफ, बच्चों की पढ़ाई, उनके घर के मेडिकल का खर्चा, ये कैसे कर रहे होंगे? मैं बोलता हूँ एक बार उन 260 लोगों से पूछो तो सही कि उनकी हालत क्या है, आज वो कैसे जी रहे हैं। उसमें ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं मैडम, बोलना नहीं चाहिए, हमारी बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि वो दुकानदार, मैंने उनको गुरुद्वारे में ऐसे प्रसाद, गुरुद्वारे के बाहर लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते हुए देखा है, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना है। ऐसी हालत है हमारे शहर के, जो जीरो दुकान हो गए हैं उसके बाद भी आज तक उनको अल्टरनेट नहीं मिला है। सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की है लेकिन रिजल्ट आज तक हमें कोई भी नहीं आई है। हर मीटिंग में हमने ये बात कही है कि इनको अल्टरनेट साइट दिया जाए। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान साहब जो रायगढ़ के पालक मंत्री हैं और हमारे MLA हैं डोंबिवली के, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको जब मैंने हकीकत बताई तो वो हमारी बातों को सुनते हुए दंग रह गए कि क्या ऐसी पोजीशन है। तब उन्होंने हमको बोला, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ कल्याण नंबरदार रोड के लोगों से। जब उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में हमने हकीकत उनके सामने रखी, तब पता चला कि अल्टरनेट साइड 4 सालों में इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कॉरपोरेशन के पास कोई प्लाट अपना है ही नहीं जो उनको अल्टरनेट साइड दी जाए। अब क्या हो, तब हमें माननीय रविंद्र चौहान साहब ने हमारे शहर में जो 4 प्लाट थे, 4 प्लाट हमारे फेडरेशन की जो मीटिंग हमने ली थी, लोगों से जब हमने उनको रूबरू करवाया, उसके बाद रविंद्र चौहान साहब ने ठीक 25 दिन के अंदर 4 प्लाट उल्लासनगर के ताबे में दिए कि ये आज आपके पास प्रॉपर्टी है और आप पहले इन कल्याण नंबरदार रोड के लोगों को फ्री करो। 4 उनको दिया, उसमें एक इंदिरा गांधी मार्केट दी गई, एक बोट क्लब दी गई और VTC ग्राउंड दिया गया और चौथा एक शाड़ के यहाँ पे था। 4 ऐसे प्लाट दिए गए। वो 4 प्लाट देकर भी आज 1 साल होने को आया है लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे आपने कहा कि स्थानिक जनप्रतिनिधि तो नाकामयाब रहे आपकी समस्याएं हल करने के लिए, लेकिन इसके अलावा जैसे अभी फिर से चुनाव लग गए हैं तो किसी बड़े नेता ने या फिर कभी खासदार ने यहाँ पे आके आपकी समस्याओं का जायज़ा लेने की कोशिश की है? देखिए अभी जैसे हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे रविंद्र चौहान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना जो कार्य था, जो उनके हाथ में था, जो उनको करना था, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। लकीली आपने पूछा है तो मैं बताऊं कि हाल ही में 8 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे खासदार साहब यहाँ पर आए हुए थे, इलेक्शन का माहौल है। यही चीज़ हमने उनके आगे भी रखी, उनके संपर्क में भी हम लोग आए कि साहब ऐसी सी बात है, 4 प्लाट हमारे उल्लासनगर को मिल गए हैं लेकिन प्लाट मिलने के बाद भी कॉरपोरेशन ने एक भी पार उस कार्य को आगे लेने की कोशिश नहीं की है, ताकि वो 260 परिवार एक बार वहाँ पर उनको अगर आशियाना दिया जाता है, उनको अपनी दुकानें मिल जाएगी तो वो अपना परिवार चला सकेंगे।
तो उनके भी हमने ये सब चीजें सामने रखी है। अभी हाल ही में हमारी मीटिंग हुई थी। खासदाराबाबत शहरातील युवकांना काय वाटते व युवकांचे प्रश्न त्यांच्या जनप्रतिनिधींनी सोडवले आहेत का नाही याचाही आढावा एमकेएन न्यूजने घेतला। तुम्हाला तुमच्या खासदाराचं नाव माहित आहे का? खासदाराचं नाव आहे श्रीकांत शिंदे। त्यांनी कधी तुमच्या शहराचा दौरा केला आहे किंवा कधी तुमच्या युवकांशी संवाद साधायचा प्रयत्न केला आहे का? शहराचा तर माहिती नाही, पण आमच्या प्रभागामध्ये कधीही ते आलेले नाही आहेत। आणि दुसरी गोष्ट युवकांचा, तर युवकांचे बरेचसे प्रश्न इथे प्रलंबित आहेत, रोजगाराचे प्रश्न आहेत, तुम्हाला सांगतो जे सुविधा आहेत, बाकीच्या गोष्टी, जे काही बऱ्याचशा गोष्टीपासून आमचा प्रभाग जो आहे तो वंचित आहे। आणि इकडे नगरसेवकसुद्धा त्या त्यांच्याच पक्षाचा आहे, तो नगरसेवक देखील इथे कधी येत नाही, कधी प्रभागाकडे लक्ष देत नाही, आणि बरेचसे प्रश्न आमचे प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत। तुमच्या शहरात युवकांसाठी अपडेटेड ग्राउंड्स आहेत का जिथे युवा जाऊन खेळू शकतात, काही अशी सुविधा आहे? बिलकुल नाही, बिलकुल नाही, एकही इथे ग्राउंड नाही आहे जिथे युवकांसाठी काही क्रीडांगण इथे बांधलेलं नाही आहे। युवकांचा प्रश्न हे लोकांनी तसेच्या तसेच प्रलंबित ठेवलेले आहेत। आणि ग्राउंड्स वगैरे तर इथे बिलकुल कोणत्याही प्रकारचे इथे उपलब्ध नाही आहेत, महापालिकेच्या नाही आहेत, त्यांनी खासदार निधीतून कोणताही एक निधी दिलेला नाही आहे। आमच्या बुद्धविहारासाठी किंवा इतर समाजाच्या ज्या भवन आहे, सामाजिक भवन, त्यासाठी आम्ही लोकांनी निधी मागितला, तर निधी देखील या लोकांनी दिलेला नाही आहे। मुलांच्या व्यायामशाळेचा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला होता, व्यायामशाळेला देखील या लोकांनी निधी उपलब्ध केलेला नाही आहे। महापालिकेच्या 2017 इलेक्शनच्या वेळेला यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला व्यायामशाळा बांधून देऊ, पण अजूनपर्यंत तो विषय त्यांनी असाच रेंगाळत ठेवलेला आहे। आता लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, जेव्हा तुम्ही मत करायला जाणार, मतदानासाठी जेव्हा जातील, तेव्हा तुम्ही उमेदवारामध्ये कोणत्या कोणत्या क्वालिटीज बघून मत करणार? उमेदवाराची क्वालिटी म्हणजे उमेदवाराची क्वालिटी बघण्यापेक्षा तो लोकांचे कामं करणार असल्या पाहिजे, जनतेची समस्या सोडवणार असल्या पाहिजे। एमकेएन न्यूजच्या टीमने उल्हासनगर 2 येथील शहरातील सर्वात जास्त समस्याग्रस्त अशा हनुमाननगर परिसराचा दौरा केला। या परिसरातील नागरिक गेली कित्येक वर्ष त्यांच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत। काळ बदलला, सत्ता बदलल्या आणि सत्ताधारीही, परंतु या परिसरातील नागरिकांच्या समस्या अजून जशाच्या तशाच आहेत, ज्यामुळे या निवडणुकीत मतदानावरच बहिष्कार टाकणार असल्याचा निर्णय स्थानिकांनी घेतला आहे। कधी खासदार आलेच तुमच्या इथे बघायला तुम्हाला काय समस्या आहेत? एकदा पाणी वाला बस, ते असं काही नाही की आहे म्हणून सगळी समस्या आहे, गटरची, पाण्याची, सगळ्याची। गटरवाल्याला सांगितलं गटर काढा, एवढ्या किडे घर तिथे, ते गटर काढा सुद्धा येत नाही। ते लोक येतो म्हणतात उद्या, येत नाहीत, बोलते का नाही भाभी? रस्ता नाही, पाणी नाही, काहीच नाही, नाल्या सुद्धा नाहीत, काहीच नाहीये। इथं नगर सेवक इथून निघून जा, आम्ही करतो 8 दिवसामध्ये 15 दिवसामध्ये, काही नाही करीत। तसे आम्ही जाऊन तिथे मोर्चा घेऊन गेले, 20-25 बाया उन्हामध्ये बसलो आम्ही लोक, त्याने पोलीस मागितले। तो कोण आहे भालेराव ना? नाही, निकम 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 नाही, ना आमदार लोक येतात ना खासदार लोक येतात इथं। नगरसेवक शासक नगरसेवक असून काय फायद्याचं नाही, त्याच्याकडे गेला तो बोलतो त्याच्याकडे जा, तो बोलतो त्याच्याकडे जा, जावं तो कोणाकडे जावं? आम्ही ना पाण्याचं तकलीफ आहे, ना बाथरूमचं, आम्हाला बाथरूम सोयी नाही, बाया तिकडे उघड्यामध्ये जातात, कुठं जाणार बाया? आणि नगरसेवक येतात 15 दिवसांनी करणार, 1 महिन्यानी करणार, 2 महिन्यानी करणार, असं बोलता बोलता दिवस निघून गेले। निवडणुका आहेत आता, 20 दिवसामध्ये तुम्हाला मतदान करावं, मन इच्छाच नाही होत त्यांना वोटिंग द्यायचं, त्यांना वोटिंग द्यायचं इच्छाच नाही होत। आणि जर कोणी निवडून आलं तर त्यांच्याकडून तुमच्या काय अपेक्षा? काय अपेक्षा, असे बी मरून राहिले तसे बी मरणारच, काय आम्हाला सोयी आहेच नाही ना, कवा येऊन वाकून बघतच नाही लोक। इथे पाईपलाईन्स आहेत, जेव्हा पाईपलाईन आहे त्याच्यात कसं आहे, खाली तिकडं पाणी पळून जातं, पाणी इकडं वर चढतच नाही, इकडं पाणी चढत नाही, आणि तिकडची वरची लाईन आहे तिकडं रात्रंदिवस पाणी जाऊ राहिलं आहे, आणि इकडं पाणी नाही लोकांना। आता समज 5-6 महिन्यापासून आहे, झालं 1 वर्ष झालं, आता 1 साल तो आहेही नाही, बाथरूम भी नाही आहे। हा हम लोग निगम के इधर गए थे, उसने हम लोग को पुलिस लाया भगाने के लिए कि जाओ पानी के लिए।
पानी के लिए गए थे, रोड के लिए गए थे, गटर के लिए गए थे, बाथरूम के लिए गए थे, हर चीज के लिए। पहले बोले ये लाइन आएगी तुम लोग को देंगे, अभी सुनाई दे रहा है वो भी जाएगा उधर, हम लोग को नहीं आएगा ये भी लाइन। वो तो नगर सेवक है, अभी खासदार के चुनाव है, अभी आपको खासदार चुनना है आपके एरिया के लिए। आपको आपके खासदार का नाम पता है, इसके पहले कौन खासदार थे? खासदार हाँ एड़के साहब होते, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। तुमच्या खासदाराचं नाव तुम्हाला माहिती आहे? हा श्रीकांत शिंदे। ते कधी आले तुमच्या परिसरात? नाही आया। नाही तुम्हाला काय काय समस्या? पाण्याची आहे, रोडची आहे, बाथरूमची आहे, मच्छरची दवा सुद्धा येत नाही तिथे, नगर सेवक तिकडून वापस देखा ही नहीं है। क्या काला है, क्या गोरा है, उसका मुंह को क्या डांबर लगाया है, क्या पाउडर लगाया, हम लोग देखा ही नहीं है। हाँ हाँ अभी नयन भी देता ही बोलता है, वह नया बस्ती में देता ही बोल रहे, हमको दे रहा नहीं बोलता है। नया बस्ती भूखा प्यासा है क्या? हम लोग भूखा प्यासा है। नया बस्ती तीन टाइम पानी है, नया बस्ती तीन टाइम पानी है, हमारा एक टाइम भी नहीं पानी, दस दिन में एक बार भी पानी नहीं। निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते जनतेवर आश्वासनांचा वर्षाव सुरू करतात। या निवडणुकीतही म्हणजे जेव्हापासून लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तारख्या घोषित झाल्या आहेत तेव्हापासूनही या नेत्यांनी काही आश्वासनं द्यायस सुरुवात केली आहे। आम्ही सध्या उपस्थित आहोत म्हणजे एम के एन न्यूजची संपूर्ण टीमने उल्हासनगर 1 येथील कॅम्प क्रमांक 2 मधील हनुमाननगर परिसराचा दौरा केला। गंगेची राहिलेली शुद्धी, धर्म आणि पाकिस्तानला कधीतरी दाखवायचा धडा यांसारखी आश्वासनं तर दूरच राहिली, परंतु येथील स्थानिक नागरिक त्यांच्या मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे। पाणी, रस्ते व स्वच्छतागृहांसारख्या अनेक समस्यांपासून ही नागरिक त्रस्त आहेत। खासदाराचं नाव देखील या नागरिकांना माहीत नाही आहे, कारण की गेल्या 5 वर्षामध्ये येथील खासदाराने या परिसराचा दौराही केलेला नाही आहे किंवा तोंडही दाखवलेलं नाही आहे। खासदार तर दूरच राहिले, येथील स्थानिक नगरसेवकही या नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यास अपयशी ठरत आहेत। याच क्रमात एम के न्यूजच्या टीमने कल्याण लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या कल्याण, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ या रेल्वे स्थानकांचा दौरा केला व रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेतल्या। अरुंद पूल, अस्वच्छ शौचालय व रेल्वे स्थानकांसारख्या प्रमुख समस्या या प्रवाशांना भेडसावत असल्याचे एम के न्यूज टीमच्या निदर्शनास आले। सर, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो बेसिकली आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? प्रॉब्लम्स तो मेन एक ये है कि ट्रेन टाइम पे नहीं रहती, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ट्रैक और सॉरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, और हर बार आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं ट्रैक, लेकिन वो चीज़ कभी रिजॉल्व नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भीड़ है इसका कोई कंट्रोल नहीं है, आप देखेंगे पैसेंजर्स कैसे भी चढ़ रहे हैं कैसे भी उतर रहे हैं, लेकिन उनको देखने के लिए यहाँ पे कोई गार्ड्स नहीं, कोई देखने के लिए उनको संभालने वाले कोई बंदे नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ कंपार्टमेंट आप देखेंगे अंदर से पूरा खाली रहता है, बाहर से लेडीज़ लोग कंपार्टमेंट का जो डोर है वो पैक करके रखती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है और काफ़ी लटकते हो जाती हैं और उनको देखने कोई है नहीं। ट्रैक पे आप देखेंगे वहाँ पे क्रॉस करने के लिए उन्होंने कोई बैरिकेड्स लगाया नहीं है, जो कि अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के नीचे आ गया है, तो कोई कंट्रोल यहाँ कोई देखने लायक यहाँ पे कोई भी नहीं है। और आप देखेंगे ये भी काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है, कम से कम 3 से 4 महीने हो गए कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका इंडिकेटर देखेंगे आप, नया इंडिकेटर कभी से लगा के रखा है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया है, जो कि एक नया उसमें अपडेशन है, एक एस्टिमेट टाइम दिखेगा, वो काफ़ी टाइम से चालू नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ ट्रैवलर्स जो है बस ऐसे ही चढ़ रहे और उतर रहे और उनको रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये जो ब्रिजेस है उसकी भी जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो उसके वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम तो होती है जब दो ट्रेन एक साथ आती है तो पूरा ओवरक्राउडेड होता है, और आप जब ब्रिज पे ट्रैवल करेंगे आपको खुद पता चलेगा ब्रिज काफ़ी वाइब्रेट होती रहती है, जो कि ऐसा लगता है काफ़ी रिस्क है। आई मीन उसका कैसा मतलब चेक हो रहा है या क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, बट काफ़ी टाइम से यही सेम ब्रिज है, जो कि उसका कुछ रिप्लेसमेंट या कुछ ऐसे एक्सटेंड कुछ किया नहीं इन्होंने, बस एक एक्स्ट्रा साइड से उन्होंने एक स्टेयरकेस लगाया वही किया और कुछ नहीं किया। जो पब्लिक टॉयलेट से उसकी भी काफ़ी खस्ता हालत है, उसके बारे में क्या? हाँ पब्लिक तो आई मीन बहुत आप देखेंगे आप वहाँ पे खड़े नहीं पाएंगे, और वहीं पर लेडीज़ कंपार्टमेंट भी है, तो आई मीन वो लोग कैसे वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनको कैसे दिक्कत आती है, आप एक बार उनसे पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। मतलब कुछ भी साफ़ सफाई नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी अभी उन्होंने नया स्टार्ट किया है बट काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे आया है वो चीज़। अभी एमपी इलेक्शन से जब आप वोट करने जाओगे तो कैंडिडेट में कौन सी क्वालिटीज़ देख के आप वोट करोगे? ऑब्वियस जो लोग आई मीन पब्लिक को लोग कुछ
सोए देंगे, कुछ सर्विस देंगे, कुछ उनका जो प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व करेंगे, ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखभाल करेंगे, वो सब होगी तो हम उस हंडी कैंडी को सिलेक्ट करेंगे। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि आप देख रहे हो कितना क्राउडेड है, लोग देखते ही नहीं है कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है, और लोग चढ़ना चालू कर लेते हैं, तो ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस इंडिया की। एंड दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी है नो डाउट, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इंडिया में, सो ज़्यादा करके आप जैसे मेट्रो में है, जैसे वहाँ पे एक प्रॉपर लाइन वाइज जैसे रहती है, पब्लिक फॉलो करती है, लेकिन वो यहाँ पे सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हो कितने तादाद में अभी एक्सीडेंट होते हैं, सो कोई भी माइनर सी मिस्टेक होने के कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी सोच समझ के चलिए, देख के चलिए, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाइए, और बच्चे भी हैं बूढ़े हैं तो उनको संभाल के चलिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। निवडणुकी दरम्यान दिलेली सगळीच आश्वासन निवडून आलेले उमेदवार पूर्ण करतात असा इतिहास नाही, मात्र 5 वर्षात नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्नही जनप्रतिनिधींनी न करावा ही खरोखरच खंताची बाब आहे। निवडणुकांचा निकाल काहीही असो, पण भविष्यात जनता कुणाला आपला पाठिंबा देणार हे तर येणारा काळच सांगेल।